Hey guys, hi. Very, very good evening to all of you. और मैं आपका मास्टर टीचर हर्ष प्रियम आपके सामने आ चुका हूं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th सीबीएसई. और ये वाला चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दैट इज द थर्ड चैप्टर. और आज 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डील करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करूं तो ये है, देख लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. ओके, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. ओके, हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे यहां पे एज की बात की जा रही है, तो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन हो जहां पे एज की बात की जाए, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी एज अज्यूम करोगे, जैसे यहां पे आफ्ताब और उसकी डॉटर के बात हो रहा है तो इनके एजेस नहीं पता है हमें, तो हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा. तो आप जब भी एज अज्यूम करोगे तो वो एज प्रेजेंट एज होना चाहिए, मतलब आज के दिन उनका एज एक्स है और वाई है, ऐसा ही अज्यूम करोगे. ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं. तो यहां पे क्या कह रहा है, आफ्ताब ने कुछ कुछ कह दिया अपनी बच्ची को, बेटी को, तो देखते हैं क्या क्या कहा उसने. उसने तो बात हो रही है आफ्ताब के बीच और उसकी डॉटर के बीच, तो मुझे नहीं पता अभी उनका एज क्या है, तो मैं मानता हूं कि आफ्ताब का एज एक्स है और उसकी डॉटर का एज वाई है. ठीक है, अब क्वेश्चन में 2 सिचुएशन दिया हुआ है. पहला दिया हुआ है 7 years अगो, 7 years अगो का मतलब होता है 7 साल पहले. तो अगर आफ्ताब आज के डेट में एक्स ईयर्स का है तो आज से 7 साल पहले वो एक्स माइनस 7 years का रहा होगा. और उसी तरीके से उसकी बिटिया अगर आज वाई ईयर्स की है तो 7 साल पहले वो वाई माइनस 7 रही होगी. ठीक है, ये है 7 years अगो. ठीक है, 7 years अगो, अच्छी बात है. और दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद. तो आज का एज हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो आज से 3 साल बाद क्या होगा, आफ्ताब एक्स नहीं, एक्स प्लस 3 रहेगा और बिटिया उसकी वाई नहीं बल्कि वाई प्लस 3 रहेगी. ठीक है, ध्यान रखना ये 3 years फ्रॉम नाउ वाला जो चीज है ना वो हेंस करके भी आता है, 3 years हेंस, हेंस का मतलब हमेशा समझ लेना बाद. ठीक है, और अगो का मतलब पहले. अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 7 years अगो मतलब ये वाला एज हमें लेना है. I was मतलब आफ्ताब बोल रहे ना अपनी बेटी को, तो I का मतलब x माइनस 7, was का मतलब इक्वल टू, 7 times 7 गुना, 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, 7 गुना उस एज का जो एज तुम्हारा उस वक्त था. तो उस वक्त उसकी बेटी का एज कितना था, y माइनस 7, तो इस y माइनस 7 का 7 गुना था, कौन, आफ्ताब, ऐसा वो कह रहा है. तो 7 times ऑफ हर डॉटर्स एज एट दैट टाइम, समझ गए, पहला इक्वेशन हो गया. अब बात करते हैं दूसरा का, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, आई मतलब कौन, फिर से आफ्ताब ही बोल रहा है, आई का मतलब एक्स प्लस 3, आफ्ताब अपने एज के बारे में बता रहा है, शैल बी का मतलब अगेन इक्वल टू, इज विल बी वॉज शैल, ये सब इक्वल टू में आएंगे. शैल बी 3 times, 3 गुना, 3 times, 3 गुना एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी तुम उस वक्त होगी आज से 3 साल बाद तुम्हारी उस एज का 3 गुना मैं भी होऊंगा. तो 3 times ऑफ द एज विच शी विल बी एट दैट टाइम, मतलब वाई प्लस 3. तो बस बल्ले बल्ले, इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है. आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, 2 अननोन. जैसे यहां से अगर तुम पहले इक्वेशन से सॉल्व करना चाहो तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन को, तो पहला तो ये 7 into y 7y और 7 into 7 माइनस 7 into -7 -40 -49. तो यहां पे आएगा आपका x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49. इसको सॉल्व करो, माइनस 7 को उधर भेज दो तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 7y माइनस 42, क्योंकि ये माइनस 7 उधर जाके प्लस 7 हो जाएगा. सिमिलरली आप यहां पे भी सॉल्व करो, या तो सिमिलरली सॉल्व कर दो या फिर ये जो 7y माइनस 42 है ना, ये वैल्यू को उठा के यहां रख दो, यहां पे डाल दो इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में डाल दो. तो अगर मैं डाल दूंगा तो ज्यादा आसान पड़ेगा, 7y प्लस 42 प्लस 3 इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा 3y और 3 3 9. तो अब सबको सॉल्व करोगे, 3y को इधर, 42 3 को सबको उधर, तो यार यहां तो कुछ गड़बड़ आ रहा है. अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 times उस वक्त रहेगा, अभी 3 times, तो 3y
और x के जगह पे 7y हो गया है। अच्छा सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने प्लस 42 कर दिया इसलिए गलत हो रहा है, यहाँ पे माइनस 42 होगा। सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखो x के जगह पे मुझे क्या डालना है, x के जगह पे मुझे डालना है 7y माइनस 42, मैंने प्लस कर दिया था तो ये हो जाएगा 7y माइनस 42 एंड प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सॉल्व करने के बाद आना चाहिए ये 3y इधर जाएगा 4y और 42 और 6 48, तो 4y इक्वल्स टू 48 आएगा, तो जिसका मतलब y की वैल्यू होनी चाहिए 12, मतलब उसकी बिटिया आज 12 साल की है। ठीक है, आज उसकी बिटिया 12 साल की है, तो आफ्ताब का एज क्या होगा, तो यहां पे डाल दो 12 से 84 माइनस 42 तो 42, मतलब आफ्ताब चाचा का एज है 42 इयर्स। बल्ले बल्ले, ठीक है, तो बेटी 12 साल की और पिताजी 42 इयर्स के। ठीक है, तो अगर ये समझ गए तो अच्छा हाँ सॉरी, ये सॉल्व नहीं करना था, मैंने सॉल्व कर दिया। तो यहां पे बस बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। तो आपको बस ये इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद आपको बस छोड़ देना है, जैसे ये फाइनल इक्वेशन बना दिया तो ये बना के ऐसे एज इट इज रख देना है और ग्राफ पे दिखाना है, मतलब वाई इक्वल्स टू, या फिर ये इक्वेशन जो तुमने बनाया ना इसको ग्राफ पे दिखाना है, तो ग्राफ दिखाना आई गेस बहुत ईजी है। क्या करते हैं, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट डालते हैं और वाई निकालते हैं, वही करना है आपको। ग्राफ में दिखा देता हूं, देखो तो ये सॉल्व किया हम लोगों ने भी यहां तक ले आए, इसके नेक्स्ट स्टेप पे भी चले गए थे, हमने एक्स और वाई भी सॉल्व कर दिया। बट एनीवेज आपके पास इक्वेशन ये आएगा जो पहला इक्वेशन था हमारा, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालोगे एक्स का, जिसके लिए वाई डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। ये कोऑर्डिनेट्स तुम्हें जैसे ही मिल गए दोनों लाइंस के, तुमको बस वो पॉइंट प्लॉट कर देना है और तुम्हें आंसर आ जाएगा बड़े सिंपल तरीके से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया है, वाई की वैल्यू 12 और एक्स की वैल्यू 42। तो इसीलिए ये ग्राफ दिख रहा है कि बहुत आगे जाके कहीं कट करेगा, तो आगे जाके जहां कट करेगा वो एक्स इक्वल्स टू 42 पे कट करेगा। ठीक है, इसीलिए बहुत आगे जाके कट करने वाला है। समझ गए यहां तक की बात, अगर यहां तक समझ गए तो आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये है दूसरा क्वेश्चन और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900, अच्छी बात है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ फॉर रुपीज 1300, रिप्रेजेंट द सिचुएशन। मतलब जाहिर सी बात है हमें बैट और बॉल का प्राइस नहीं पता, तो चलो निकालते हैं। तो सिंपल सी चीज है यार, बैट को मैं कह दूंगा कि भैया बैट का जो प्राइस है ना आजकल, जो बैट का प्राइस है वो बैट का प्राइस है एक्स रुपीज, मुझे नहीं पता, और बॉल का प्राइस है वाई रुपीज, लिख दिया। अब ध्यान से देखो, बाइज 3 बैट्स, एक बैट का दाम एक्स रुपया, तो 3 बैट के दाम क्या हो जाएंगे 3x, अच्छी बात है। 6 बॉल्स, तो 6 बॉल, एक बॉल का दाम वाई रुपया, तो 6 बॉल का दाम 6y, और टोटल इसको कॉस्ट मिल रहा है 3900, 3900 में पूरा मिल गया, मतलब इक्वल्स टू 3900, तो हमने निकाल लिया। दूसरा क्या कहता है, लेटर शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब अनदर एक और बैट, एक और बैट का एक्स रुपया उसने दिया होगा, एंड 3 मोर बॉल्स, तो 3 और बॉल के लिए 3y दी होगी, इक्वल्स टू 1300, 1300 रुपए में उसने इतने सब खरीदा, तो अच्छी बात है 1300, बस ये आपके पास आ गया। आपको इतना ही दिखाना है, इतना दिखाने के बाद अब इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व कर देना है, तो एल्जेब्राइकली ये किया, अब इसके बाद ग्राफ से सॉल्व कर दो। तो देखो ग्राफिक का सॉल्यूशन दिखाता हूं, इक्वेशन ऐसे ही बना, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 और 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। ठीक है, सिंपल कर दिया, ये टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद ग्राफ ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, बल्ले बल्ले, चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। यार अब तुमको दिख रहा होगा, तुमको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तुमको ऑटोमेटिकली अब दिख रहा होगा कि एप्पल्स और ग्रेप्स के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब जरूर इन्हीं के प्राइस को निकालने की बात की जा रही होगी, क्योंकि आखिरी में लिखा हुआ है ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज, मतलब इनके इतने के दाम 160 रुपए हैं। तो तुमको अब शायद समझ में आ रहा होगा कि अच्छा एक्स किसको मानना है, वाई किसको मानना है, या कौन सा वेरिएबल अननोन होगा। तो जैसे मेरे को समझ में आ रहा है देख के ही, तो ये तुमको भी आ रहा होगा कि यहां पे भैया एप्पल को मान लो एक्स, कि एक एप्पल का, एक किलो एप्पल का दाम क्या है एक्स रुपया, और एक किलो ग्रेप्स का दाम क्या है वाई रुपीज। तो ये हमने मान लिया, अब यहीं से डायरेक्ट हम पहले एक लाइन से इक्वेशन लिख लेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। 2 किलो एप्पल मतलब 2x एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब प्लस वाई, टोटल दाम पड़ा उसको 160 रुपए, तो इक्वल्स टू 160, सिंपल।
दूसरा कॉस्ट ऑफ 4 केजी एप्पल्स मतलब 4x एंड 2 केजी ग्रेप्स मतलब 2y इक्वल्स टू 300 रुपीज, 300 रुपए. रिप्रेजेंट द सिस्टम ग्राफिकली एंड एल्जेब्राइकली. तो एल्जेब्राइकली तो हमने दिखा दिया, अब ग्राफिकली दिखाना है तो ग्राफिकली करने के लिए क्या करना होगा, 2x देख लो. तो देखो हमारा भी यही निकला, 4x plus 2y equals to 300 और 2x plus y equals to 160. ये खट 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 बना दोगे, x और y का टेबल, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लो. वैल्यूज लेते ही तुम्हारे पास दो लाइन बन जाएंगे और तुम्हारे पास दिखेगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये कहीं कट नहीं करेंगे. ठीक है, वो बताऊंगा क्यों कभी नेक्स्ट सेशन में. तो ये कट नहीं करेंगे. ठीक है, तो बस सिंपल सा आंसर आ गया. बल्ले बल्ले, अगर सीखने में मजा आया हो और मेरे साथ और भी चीजें सीखना चाहते हो, मेरे साथ लाइव सेशन में अगर जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ और पढ़ाई करना चाहते हो, तो दिस इज द लिंक जिसमें vdnt.in/ytpro, ध्यान रखना पहला वाला स्मॉल में है फिर कैपिटल में है. जैसे ही इस लिंक पे जाओगे तुम्हें कोर्स के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, सब्सक्रिप्शन कोर्स के. इस एक सब्सक्रिप्शन कोर्स को लेने से इतने ज्यादा फायदे हैं कि वेदांतु का हर एक सेशन तुम ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी टीचर के साथ पढ़ाई कर सकते हो, किसी भी सेशन में इंटर कर सकते हो, कोई भी बैच में पढ़ सकते हो. जरूरी नहीं कि तुम अगर टेंथ में हो तो सिर्फ टेंथ का पढ़ो, तुम चाहो तो नाइन्थ, एट्थ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, जेई कुछ भी पढ़ सकते हो. और जरूरी नहीं कि तुम्हारे को सब्सक्रिप्शन मिला तो सिर्फ एक ही दिन या एक दिन में दो सेशन हो रहे हैं तो उतना ही लगाओ, अनलिमिटेड पढ़ सकते हो. एक दिन में 10 सेशन भी चाहो ना तो वो भी पढ़ सकते हो. और सिर्फ बात यहां नहीं रुकती, बात यहां पे यहां तक जाती है कि तुम्हें उसमें डाउट्स भी मिलता है, उसके साथ नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट, सारी चीजें. और चाहो तो तुम माइक्रो कोर्स ले सकते हो, क्रैश कोर्स, मतलब कुछ भी ले सकते हो. पूरा वेदांतु फ्री हो जाएगा सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से. ठीक है, और वो सब्सक्रिप्शन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा है, मैं बताता हूं कितने दाम का है. तो आपको करना क्या है, आप यहां पर जाओगे, अपना ग्रेड सेलेक्ट कर लेना, टारगेट देख लेना कौन सा टारगेट है, सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, कौन सा पढ़ना चाहते हो. ऐसा कुछ पेज दिखेगा तुम्हें, इस पेज में सारी चीजें लिखी रहेंगी कि क्या क्या मिलने वाला है. क्लिक करना यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पे, जैसे ही क्लिक किया ये खुल जाएगा. तो अब जैसे देखो एक महीने का प्राइस, इतनी सारी बहुत सारी चीजें पूरा वेदांतु फ्री करने के लिए 2799 रुपए. अब ये 2799 रुपए अगर ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंटर कूपन कोड, इस कूपन कोड को डाल देना HP प्रो, तो इस पे 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा. मतलब ये 2700 घट के 2200-2300 रुपए हो गए, 2200-2300 रुपीज, मतलब अराउंड 2,250 रुपए में तुम पूरा का पूरा वेदांतु ले सकते हो. पूरा का पूरा वेदांतु में जो जो फैसिलिटीज मिल रही हैं जिस भी बच्चे को, वो सब तुम्हारी. और सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, एक महीने में थोड़ा महंगा है. अब अगर तुम 6 महीने के लिए जाते हो तो 6 महीने का पूरा तुम्हें 9-10 हजार रुपए में मिल जाएगा. तो 6 महीने अगर 9-10 हजार में किया तो शायद पर मंथ का कॉस्ट कुछ 1600 रुपए पड़ता है, जो कि पहले पर मंथ का वन मंथ में पड़ रहा था कितना, 2200-2300 रुपए. ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं. तो अगर मन करे लाइव पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, और बाकी सारे मास्टर, ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा, बाकी सारे मास्टर टीचर्स भी पढ़ाएंगे, तो उन सब के साथ पढ़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन. ठीक है, आपको बस ये HP प्रो डालोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और vdnt.in/ytpro पे जाओगे तो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. तो और लाइव सेशन में हम लोग खूब मस्ती करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, हर रोज मेंटी क्विज होता है, बहुत सारी चीजें नई सीखते हैं, डाउट्स पूछते हैं बच्चे. It is really awesome. ठीक है, तो I will be waiting for you all guys there. और तब तक के लिए good night, शुभ रात्रि, शबा खैर, मिलते हैं अगले सेशंस में. Bye bye.